अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुवैत से प्रवासी को लेकर के कुछ लेटेस्ट अपडेट आया है, देख लेते हैं आज के इस वीडियो में। उनके अलावा दोस्तों यहाँ पे बता दें कि एक कैटेगरी का वीज़ा को लेकर के भी अपडेट आया है। तो दोस्तों कुवैत से सभी अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर कुवैत से। पहली अपडेट बता दें कि कुवैत के अंदर जो महिलाएँ प्रेगनेंट है उनके लिए वीज़ा एक स्पेशल कैटेगरी से इशू किया जाता था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ कुवैत की तरफ से एक अपडेट दिया गया है कि अब जो भी महिलाएं यानी कि प्रेग्नेंट कैटेगरी से वीज़ा लेकर के कुवैत में प्रवेश करना चाहेगा तो ज़रूरी है कि पहले उनका मेडिकल टेस्ट होगा, यानी कि उनका प्रेगनेंसी टेस्ट होगा कि वो रियल में प्रेग्नेंट है या नहीं है, क्योंकि इस कैटेगरी का फ़ायदा उठा करके जो नॉर्मल महिलाएँ हैं वो भी कुवैत में एंट्री करना चाहती है, जिनको देखते हुए कुवैत मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि अब इस कैटेगरी से जो लोग भी यानी कि कुवैत में एंट्री होगा ज़रूरी होगा कि उसका पहले टेस्ट हो जाएगा कि वो सही में प्रेग्नेंट है या नहीं है। वो टेस्ट रिपोर्ट लगाने के बाद ही उन्हें कुवैत का वीज़ा दिया जाएगा और कुवैत में एंट्री होगा। कुवैत से अगली अपडेट दोस्तों, कुवैत के अंदर बता दें कि MOI के तरफ से फिर से 18 प्रवासी को पकड़ा गया है। ये प्रवासी दोस्तों महाबोला और सालमिया के अंदर प्रोस्टिट्यूट के तहत पकड़ा गया है। इनमें दोस्तों अधिकतर महिलाएं हैं और कुछ पुरुष भी शामिल है इसके अंदर। दोस्तों ये अलग अलग कंट्री के हैं, जैसे कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं। इन सभी को हिरासत में लेने के बाद पूछताछ करने के लिए भेज दिया गया है। तो दोस्तों ये सभी प्रवासी पकड़े गए हैं यानी कि गलत काम को अंजाम देते हुए कुवैत में। जो लोग भी जिस कंट्री का भी ऐसे काम करते हैं दोस्तों कुवैत में, अभी भी कुवैती मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से जो कैंपेन है वो लगातार कंटिन्यू है, खासतौर से ऐसे प्रवासी के लिए जो लोग इस तरह का क्राइम करते हैं। कुवैत से सभी अपडेट के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं कुवैत से अगली अपडेट के साथ।